जो जो श्वास श्वास जैसे चलती है ना, श्वास के अंदर सोचना पड़ता है, बोलना नहीं पड़ता है। हाँ। कब श्वास गई, कब आई, आई तो ओम, गई तो राम, राया मा जो। दाल तो हो गई सिद्ध। देखे दोस्तों महाराज जी की दाल। सीताराम दोस्तों अपने चैनल के माध्यम से लगातार हम आपको सिद्ध साधु संतों के दर्शन कराते आ रहे हैं, जो बीहड़ घनघोर जंगलों के अंदर पहाड़ों में, गुफाओं में और कंदराओं में रहकर भजन साधना करते हैं। और आप लोगों के सपोर्ट से हम राशन सामग्री भी संतों की गुफाओं तक, कुटिया तक जो है पहुँचाते रहते हैं, और ऐसी जगहों के दर्शन आपको कराते हैं जहाँ पहुँचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन रहता है, पैदल चलना मुश्किल होता है, और हमारे पास 35 से 40 किलो का वजन होता है, इतना वजन लेकर चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अभी हम पहाड़ के ऊपर खड़े हैं, जंगल के काफ़ी अंदर आ गए हैं, और यहीं पर अपनी गाड़ी पार्क कर दिए हैं इस पेड़ के नीचे, और यहां से अब हमें अंदर जंगल के लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलना होगा और महाराज जी गुफा में रहकर भजन साधना करते। तो आज हम दिखाएंगे कि कैसे महाराज जी अपना भोजन प्रसाद बनाते हैं, कैसे भजन साधना करते हैं। तो आइए चलते हैं दोस्तों सीधा उनकी गुफा की ओर। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये देखिए दोस्तों इतना वजन है, और इतना वजन लेकर चलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम आपको दर्शन करवाएंगे। दोस्तों अभी तक हम समतल रास्ते से चल रहे थे, और अब यहाँ से हमें पहाड़ के नीचे उतरना है। आप सामने जो बीहड़ घनघोर जंगल देख रहे हैं, उस जंगल के अंदर महाराज जी की कुटिया है, गुफा है, कुटिया नहीं है। तो यहाँ से लगभग 500-600 मीटर नीचे उतरना है। ये देखिए दोस्तों पत्थरों में तीर के निशान बने हैं, और इन्हीं को देखते हुए हम सीधा नीचे की ओर जा रहे हैं। देखिए किस तरह के रास्ते हैं, बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, और काफ़ी बीहड़ और घनघोर जंगल। वो सामने आप चट्टान देख रहे हैं, उस चट्टान के पास यहाँ से उतर कर जाना है, और चारों तरफ से बीहड़ घनघोर जंगल। लेकिन उससे पहले यहाँ एक झरना चल रहा है, तो पानी पिएंगे, इसके बाद जाएंगे। दोस्तों काफ़ी प्यास भी लगी है, और ये देखिए पहाड़ों में झरना चल रहा है, तो अभी यहाँ पहले पानी पीते हैं फिर आगे चलते हैं। काफ़ी स्वादिष्ट पानी है झरने का, औषधीय पानी है। तो आइए चलते हैं दोस्तों। और पास में ही महाराज जी की गुफा है, गुफा के बाहर महाराज जी भजन साधना कर रहे हैं। तो आइए पहले आपको दर्शन करवाते हैं। सीताराम महाराज जी, महाराज जी भजन साधना कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों जी महाराज जी रामायण पाठ चल रहा है। और इधर देखिए दोस्तों महाराज जी की गुफा है, ये जो बड़ी सी चट्टान है इसके नीचे महाराज जी की गुफा है, गुफा के अंदर रहते हैं। और सामने की तरफ आपको जहाँ तक दृष्टि जाएगी घनघोर बीहड़ जंगल देखने को मिलेगा। सीताराम महाराज
व्यवस्था करें। आटा की जरूरत है, सो नमक आटा गांव से मांग लाते हैं बहुत है। ये रहेगा तो दुनिया भर का बवाल रहेगा, ये भी बना लो वो भी बना लो। तो ओम शांति से रहो ना, अपने आटा टिक कर खाओ नमक रोटी। महाराज जी आप इतनी खतरनाक जगह में क्यों रहते हैं जहाँ आना बड़ा मुश्किल है? तुम्हारे लिए खतरनाक है, हमारे लिए तो ये मेलों से बढ़िया है जी। तुम लोग समझते हो कि खतरनाक हमारे लिए तो मेला, हम तो रात भर इसमें कहीं भी जाते आते। किसी को पनीर खाने में रुचि है, किसी को नमक रोटी खाने में रुचि है, पेट तो दोनों ही भर रहे हैं जी। उनको वो अच्छा लग रहा है। देखा कोई झुग्गी में अपना जिंदगी काटता है, कोई मेलों में भी नहीं उन्हें नींद आती है जी। तो आनंद किस में है बता? झुग्गी में आनंद है कि मेल में आनंद है? महल में ज़्यादा आनंद है महाराज जी। कैसे? जब तुमको नींद नहीं आ रही, वहाँ भोजन नहीं कर पा रहे तो फिर काय का आनंद है? और झुग्गी झोपड़ी वाले तान के सो के खाते हैं जी, और सोते तो हैं, नींद उन्हें गोली नहीं खाई, तो बताओ आनंद किसको मिल रहा है ज़्यादा? जी झोपड़ी में ज़्यादा। तो फिर क्योंकि टेंशन ही नहीं है किसी चीज़ की जी। इस गुफा में महाराज जी कब से रह रहे हैं? इसमें तो अब बस हम ये समझो कि चालू है, जब 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 जिसकी ड्यूटी लग जाती है वो रहता है। अच्छा। 60 साल से हमारे गुरु बाबा से चालू है यहाँ। अच्छा। यहाँ खाली नहीं रहता, कभी कोई ना कोई रहता ही है जी। इधर महाराज जी आपका भोजन प्रसाद बना करता है? हाँ इधर भी बना लेते हैं, अंदर ही बना लेते हैं, और मधुमक्खियाँ ज़्यादा आ रही हैं अंदर बनाते हैं। अच्छा। अभी ये फूल का टाइम है ना। हाँ हाँ हाँ। तो इसमें मधुमक्खियाँ बहुत आती हैं रस लेने, तो धुआं करो तो इकट्ठा हो जाती हैं। अच्छा। अभी फूल निकल रहा है ना, तो इन्हीं दिनों में ज़्यादा लगे मधुमक्खी, रात भर लगी रहती हैं गुनगुन गुनगुन करने में। कौन कौन से फल महाराज जी यहाँ इस समय? ये सारे देखो ये फूल ही रहे, देखो ये फूल आ रहे हैं जितने भी है ना पौधा, ये सारे फूल ही आ रहा है इनमें, इन्हीं का वो रहती हैं रस। ये देखो ये फूल फूट रहे हैं छोटे छोटे, ये सारे फूल ही आ रहे हैं इनके। अच्छा महाराज जी। हाँ ये देखो गूगल में फूल आ गए। हमारा जी फल खाने वाले भी मिल जाते हैं? फल अभी लगेंगे, तेंदू लगेंगे, चिरौंजी महुआ लगेगा, चिरौंजी। अच्छा। लगेगी। अच्छा। क्योंकि इधर दूर दूर तक जल नहीं है कहीं भी जी जी, उधर जाके सीधा गंगा जी में ही है जल। तो ये पानी महाराज जी आपका चलता रहता है? ये 12 महीना चलती है धारा इस। अच्छा हमारे जी अनसुईया जी यहाँ से किधर पड़ती है? अनसुईया जी ये सीधा पड़ेगी बिल्कुल सामने ये इस रोड इधर। और चित्रकूट महाराज जी यहाँ से? चित्रकूट इस साइड में, पश्चिम साइड में। अच्छा इधर पड़ता है। तो यहाँ से महाराज जी सीधा भी रास्ता है आना? नीचे से भी आना रास्ता, कच्चा जंगल ही जंगल। अच्छा तो आप इधर से जाते ज़्यादा नीचे से? ये महाराज जी आपका बैठका है इधर? हाँ ये मचान बोलते हैं हम अपने भाषा में ये। अच्छा मचान बनी है, बैठते हैं अपने सीताराम। और यहीं पर महाराज जी बर्तन रखने के लिए दूसरा मचान बना है? यहाँ बर्तन रख देते हैं अपने। और इधर महाराज जी आपकी गुफा हो गई? हाँ। और यहाँ महाराज जी अपना भोजन प्रसाद बनाते हैं, और काफ़ी बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, और चट्टानों के अंदर महाराज जी की गुफा है। आपको गुफा के अंदर के भी दृश्य दिखा देते हैं। ये महाराज जी की कुटिया का प्रवेश द्वार है। ये देखे दोस्तों महाराज जी का ये बैठका है, और यहीं पर महाराज जी के गुरु जी भी विराजमान हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी एक छोटी सी जाली बनाकर महाराज जी अपनी रसोई बनाए हुए हैं, तो यहाँ पर भोजन प्रसाद बनाते हैं। ये देखिए चूल्हा वगैरह बना हुआ है, और यहीं पर महाराज जी अपनी लकड़ी वगैरह रखते हैं। और गुफा के सामने ये इस तरह का जो है लकड़ियों की रेलिंग लगी हुई है, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा खाली है आप देख सकते हैं, तो नीचे ना गिरें इसके लिए इधर से टटो लकड़ियों की बाड़ लगी हुई है। दाल तो हो गई हमारे सामने, दाल तो पक गई हमारी है। पक गई महाराज जी? हाँ दाल तो हो गई सिद्ध। देखे दोस्तों महाराज जी की दाल किस तरह से बनाते हैं अपना।
अभी इसी बनते हैं, हाथ के टिक्कर हैं अपने, काफी मोटे मोटे टिक्कर बनते हैं महाराज जी। अभी मोटे कहाँ हैं, अभी तो सादा हैं। अच्छा, अभी और मोटे बनाते हैं? और क्या, इससे भी मोटे बनाते हैं हम तो, आ जा तुम तो, इस वजह से इतने टिक्कर के हम बनाते हैं, 5 टिक्कर इतने आटा के। अच्छा महाराज जी, बस 2.5 टिक्कर अभी खा लेते हैं, 2.5 शाम को। 24 घंटे में एक बार बनता है महाराज? बस एक बार। रोटी बनाते रहेंगे तो फिर भजन कब करेंगे, क्यों जी? जी जी, इस वजह से भजन भी तो करना पड़े। 24 घंटे में एक बार जलता है अपना चूल्हा बस। फक्कड़ों का टिक्कर है, फक्कड़ों के टिक्कर इसी तरह महाराज जी बनते हैं। फक्कड़ बाबाओं का यही है, कांवड़ सा बेलना लगाएंगे। मसाले की बिना तेल की कैसी सब्जी बनी है बताओ ना। टेस्ट है महाराज जी इसमें, खाली तेल मसाला कुछ नहीं पड़ा महाराज जी। क्या तुम्हारे सामने तो बना है? तेल तो वो वैसे कटोरी उसमें दे देते थे, मिट्टी के रखते हैं हम दिया। अच्छा, उसी में अग्नि में दे देते हैं। अच्छा, तो उसमें जीरा वीरा मिर्ची विर्ची गूंज के उसमें तड़का देते हैं दिया वाला। अच्छा, मिट्टी का, पर इसमें तो कुछ भी नहीं है। भगवान का भोग समझ के पाओ तो सब बढ़िया है। जो जो श्वास श्वास जैसे चलती है ना, श्वास के अंदर सोचना पड़ता है, बोलना नहीं पड़ता है। हाँ। कब श्वास गई, कब आई, आई तो ओम, गई तो राम, रा या मा, जो भी अपना अपना मंत्र, कोई राम का पढ़ता है, कोई ओम का करता है। वैसे ध्यान के लिए दो ही अक्षरों का ज़्यादा, ओम का ही जिसने जितने भी वेद प्राण है ना सबने ओम का जाप में ही ज़्यादा दिया है जोर, क्योंकि अपनी सांस भी दो ही है, तो वो दो 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 सांसों दो अक्षर का मंत्र उसमें ढल जाता है सांस में जी। जब आई ओ ओ ये सांस, जब ये ध्यान करना पड़ता है अपन को कि कब सांस आई कब गई, तो उसके अंदर ऐसे सोचना पड़ता है कि ओम माँ ओ माँ ओ माँ। और फिर चौथा चरण तो फिर तो वो तो ब्रह्म रूप हो जाता है, क्या उस पर तो हर आदमी नहीं पहुँच पाता है। महा महासंत लोग ही पहुंच पाते हैं, जिनके पूर्व जन्म के कुछ भविष्य ऐसे हैं जिनकी आजकल, तो वो पहुंच पाते हैं यानी चौथी अवस्था पे, जो यानी कि जो अपने प्राण को भी बस में करके ब्रह्मांड में बैठा लेते हैं। अच्छा। जो 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 चाहे तो महीनों अंदर बैठे रहेंगे, ये कहते हैं ना जिंदा समाधि ले ली। हाँ, हाँ, हाँ। लोगों ने तो वो उसको बोलते हैं कान्हा को। अच्छा। ब्रह्मी जैसे जो प्राण अपने उन्होंने यहाँ बैठा लेते हैं, और कुछ देख कर दिखता ही नहीं। जैसे नहीं हमने तुम्हें बोला था उस दिन? हाँ। कि आपा मरे जपा मरे आना दे मर जाए, और सूरज समानी शब्द में ताय काल ना खाए जी। तो वो उसे फिर काल भी नहीं खाता, वो जो ब्रह्मांड बैठ गया ना उसका शब्द जी। तो वो ब्रह्मांड बैठ जाता है। तो ऐसे ये 4 चरण बताए गए, चाहे ये मान लो वैश्य शूद्र क्षत्रिय ब्राह्मण, अपनी अपनी भाषा एक अपनी अपनी अलग है। अब जैसे जो पहली कक्षा वाला का उसे हम शूद्र बोल देते हैं जी। और दूसरी अभ्यास वाला उसको कना को बोलते हैं अपन रे शूद्र वैश्य है, और तीसरी को क्षत्रिय जी, और चौथी तो फिर ब्रह्म है जी, ब्राह्मण ब्रह्म।
तो ऐसी वो अपनी अपनी भाषा में अपने अपने ग्रंथों में अपने अपनी भाषा में लिखा है ऋषि मुनियों ने। तो देखा दोस्तों किस तरह जंगलों में कंदराओं में और गुफाओं में रहकर साधु महात्मा भजन साधना करते हैं और किस तरह से अपना भोजन प्रसाद बनाते हैं। संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरि जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।